उत्तर प्रदेश की सरकार के गोरक्षा के तमाम वादे खोखले नजर आ रहे हैं। विपक्ष भी लगातार आरोप लगाता है कि गोरक्षा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है और गाय बचाने के नाम पर हिंदुओं का वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, जिसका एक और उदाहरण अब झांसी में मिला है। झांसी क्षेत्र के एक बबीना से आ रही एक ट्रक को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने देखा, जिसमें लगभग 37 गोवंशी भरे हुए थे। कार्यकर्ताओं ने ट्रक का पीछा करते हुए तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी, जहां पुलिस द्वारा गाड़ी पकड़ने का आश्वासन दिया गया और कार्यकर्ताओं को गाड़ी का पीछा करते रहने के लिए कहा गया। कार्यकर्ता गाड़ी का पीछा करते करते झांसी की कसाई मंडी के पास पहुंचे, जहाँ हाथ लगाए बहुत सारे हमलावरों ने कार्यकर्ताओं की गाड़ी पर ही हमला कर दिया। एक कार्यकर्ता इसमें गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के विरोध में गोरक्षा दल के हिंदू युवा वाहिनी और बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता ने नवाबाद थाने का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक नगर ने आरोपियों को 72 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने का आश्वासन दे दिया। इस प्रकार की घटनाएं सरकार द्वारा गोवंश की सुरक्षा के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती हैं, निशान उठाती हैं कि आखिर सूचना देने के बाद भी कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई। वैधानिक है, कार्रवाई भी की है। मैंने आपसे बता कि जो भी चीजें आएंगी जो नियमानुसार होगी कार्रवाई। तो सर नियमानुसार में क्या आप इसमें ऐसो नवाद को भी हटाएंगे क्या? नहीं, ये कोई बात, ये कोई नियम थोड़ी है। मांग से इस तरीके की जा रही है। मैंने जो भी आरोप लगे हैं, जो चीजें आ रही हैं, उसकी जांच होगी और जो भी सही आएगा सही तथ्य होगी। सर जो गलत आरोप है सत्यता से आप कार्रवाई करेंगे, जो गलत है वो गलत है। जिसको बबीना टोल पे पकड़ा जा सकता है, तो हम लोग दो लोग बबीना टोल पे पहुंचे अपने ग्रेजा कार से, तो वहां की पुलिस बबीना की पैसे लेकर निकाल रही थी ट्रक को। तो जब हम वहाँ पे पहुंचे तो ट्रक निकल चुका था वहाँ से। इसके बाद हमने ट्रक का पीछा करना शुरू किया, जिसके आगे एक चकरपुर चौकी पड़ती है, उसमें राजेंद्र यादव करके एक सिपाही है जो कि पैसा ले रहे थे हाईवे पे। उसकी पुख्ता वीडियो है मेरे पास। राजेश यादव। इसके बाद फिर हम लोग आगे आए तो हमने 100 नंबर डायल किया, जो कि 7 बार अपने फोन से हमने 100 नंबर डायल किया, नहीं लगा। इसके बाद जब बिजौली आए हम लोग, तो बिजौली की 100 नंबर ऑलरेडी वहाँ से खड़ी थी, पहले से सूचना थी उन्हें पैसे लेने के लिए। तो पैसे लेने के लिए उन्होंने रोका, हमारी गाड़ी देखी और फिर नहीं गए, पैसे लेने नहीं गए। गाड़ी भी खड़ी हो गई, 100 नंबर वाला आया तुरंत वापस हो गया। उसकी भी वीडियो है मेरे पास। इसके बाद फिर 100 नंबर नहीं लगा, लगाते रहे जब तक हम हजारी चौकी आए। हजारी चौकी वालों को हमने हाथ से इशारा किया, सर हमारी मदद कीजिए, इसमें 37 गोवंश जा रहे हैं गाड़ी चलते हुए। वहां से एक गाड़ी पीछे आई, डायल हैंड कोबरा वाली जो बाइक अपाचे है वो पीछे लगी, उसने हमें फॉलो किया डिपो स्टैंड पर। डिपो स्टैंड के बाद वो गाड़ी भी वापस चली गई। आपसे मारपीट कहाँ हुई है पूरा बता रहे थे? हाँ बताइए। इसके बाद फिर हमने कप्तान साहब के नंबर पे कॉल किया, तो वहाँ से सूचना मिली कि आप ट्रक के पीछे रहिए, हम फोर्स भेज रहे हैं। तो हम लोग जेल चौराहे तक आ गए, तब तक कोई फोर्स नहीं मिला। इसके बाद फिर हमने कप्तान साहब को फोन किया, भाई सर हम लोग ट्रक के पीछे हैं और ट्रक कसाई मंडी की तरफ जा रहा है। तो हम लोग जैसे हैवर्ट मार्केट के पीछे पहुंचे, तब तक फोन कट चुका था। हमने फिर फोन किया, सर कसाई मंडी में जा रहा है, बोले आप ट्रक के पीछे रहिए और हम पुलिस फोर्स भेज रहे हैं। तब भी फोर्स नहीं पहुंचा। जैसे ही हम लोग कसाई मंडी में एंटर किए हैवर्ट मार्केट के लिए, तो वहां से घुमा देना मारना चालू हो गया गाड़ी पे। तो हम लोग भागे आगे की तरफ, आगे से और 60-70 लोग आ रहे थे, उनने भी हमला कर दिया। तो जो सीट रहती है सीट को फोल्ड करके हम लोग गाड़ी में लेट गए। हमें चोटें भी आई हैं, हमारे साथ जितेंद्र सिंह जी भी हैं उनको भी चोटें आई हैं। तो किसी तरह से हम लोग वहाँ से बचे। वो ट्रक फिर यहाँ से 0399 करके बुलेरो पहुंची, उसमें फोर्स पहुंचा, एक लड़के को पकड़ लिया गया। लड़के को पकड़ने के बाद जो ट्रक भरा हुआ खड़ा था, उनसे कहा कि इसमें गाय लगी हुई है, इसमें उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। हमने कहा हम लोगों को ज़्यादा चोटें आई हैं, हम आप हॉस्पिटल पहुँचा दीजिए। तो हॉस्पिटल उन लोगों ने नहीं पहुँचाया। इसके बाद हम लोग वहाँ से जैसे करके निकले तो बीबी चौकी पहुंचे, फिर हम लोगों का इलाज वगैरह हुआ। हमारे लोगों को लगी आपको पकड़ा गया, जिसका पीछा बिजौली से हमारा कार्यकर्ता कर रहा था। इंस्पेक्टर को फोन किया, नवाबाद इंस्पेक्टर को संत प्रकाश को, उन्होंने कहा पीछा करो, हम फोर्स भेज रहे हैं। किसने पकड़ा? पकड़ा है हमारे हरीश ने, हरीश है बजरंग दल का प्रखंड संयोजक है हमारा बिजौली का। उसके ऊपर हमला कर दिया 60 लोगों ने, उस ट्रक को छोड़ दिया, उस लड़के को भी उधर ही छोड़ दिया। एक आरोपी जरूर इन्हें पकड़ा था, जो इनकी बोलेरो में पकड़ के आया था नवाबाद थाने की। पुलिस कितनी देर बाद पहुंच गई? पुलिस पहुंची थी करीब 7 मिनट बाद, 7 मिनट बाद पुलिस पहुंची थी। और हम लोग का मुकदमा वो इधर आया 3:30 बजे रात में, मेडिकल भी उसको कोई लेके नहीं गया, अपने आप मेडिकल गया, इलाज कराया। उसके बाद में वो इधर आया जब 7:30 बजे, 3:30 बजे तो उससे कहा गया घर जाओ, 10 बजे आना।
उससे कहा गया मुकदमा तुम्हारा लग गया है, अब अभी आए हैं, अभी हम तहरीर दे रहे हैं, एसपी सिटी महोदय बैठे हुए हैं, आप तहरीर देकर के मुकदमा लगा रहे हैं। और ये हमारी मांग है कि ऐसा इंस्पेक्टर जो गाय के विषय में गंभीर ना हो, जो सरकार कहती है कि हम गाय के विषय में गंभीर हैं, हम भ्रष्टाचार के प्रति गंभीर हैं, ऐसे इंस्पेक्टर को हम लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसा इंस्पेक्टर कोई थाने में रहे जिससे झांसी की जनता की, झांसी के अधिकारियों की छवि खराब हो, एसएसपी महोदय की, डीआईजी महोदय की और समस्त हमारे सरकार की। आपने जो पुलिस पे एलिगेशन लगाया, आपने जो पुलिस पे करेंगे, अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, जब तक हटेगा नहीं हम लोग यहीं बैठे जाएंगे। आपने जो अभी पुलिस पे बताया तीन बिंदुओं पे, क्या क्या बातें, वो तीन कौन सी जो अभी आपने बताया तीन? हम लोग भ्रष्टाचार के तीन मामले, सट्टा हमने पकड़ के दिया, सहजाद नाम के आदमी को पकड़ के दिया, वो इन्हें छोड़ दिया, अगर शराब पकड़ी गई वो इन्हें छोड़ी, वरना गाड़ी पकड़ी गई थी रात में 1:30 बजे छोड़ा गया था, पिछले 2 महीने की घटना है, हम सारी आपको बता रहे हैं। कितने पैसे लिए उन्होंने? 6.5 लाख रुपए का मामला, इन्हीं ने, संत प्रकाश जी ने, 4-5 मामले हैं। इसके पहले गाय का एक गाड़ी पकड़ी गई थी जेल चौराहे पर, जब ये आए थे तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब हम सब करे दे रहे। झांसी से ये थी दीपक जौहरी की रिपोर्ट।